देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं हूँ सचिन। तो दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बुरी खबर के बारे में कि देवनानी इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो दोस्तों देवनानी कब इस्तीफा देंगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा तुरंत आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब नाउ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देवनानी ये कि इस्तीफा देने की मांग कहाँ से उठी है, कहाँ क्यों उठी है ये बताएंगे। तो दोस्तों कोटपुतली के शिक्षा विभाग के क्रमिक की आत्महत्या का मामला घर आ चुका है। इसी वजह से कांग्रेस ने देवनानी के कुछ मोर्चे के खिलाफ तो पोल थी वो खोल दिए कहा जा रहा है। दोस्तों ये थी खबरें। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री दासदेव देवनानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कथित पीए पर तबादलों के नाम पर वसूली और कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नाम आने के बाद कार्यकर्ता ने देवनानी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने देवनानी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने और मामले की सीबीआई जांच कराने पर चाचो देवनानी को पद से विलंब अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है। दोस्तों यानी कि इस्तीफा देने की मांग की है। देवनानी अपने खुद से इस्तीफा न लेना चाहते हैं बल्कि कांग्रेस उन पर आरोप दे रही है कि वो उन्होंने आत्महत्या कराई है कर्मचारी की, उस वजह से कह रहे हैं देवनानी का इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों ये है खबर, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये पढ़ सकते हो आप कि दोस्तों कांग्रेस पदाधिकारियों के अनुसार 18 मई को कोटपुतली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतिल में कार्मिक दिनेश कुमार शर्मा की आत्महत्या ने शिक्षा मंत्री के नारे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पोल खोल दी। इससे गंभीर व संगीन मामला क्या होगा जब पीड़ित ने अपने ही कार्यस्थल पर आत्महत्या की हो और अपनी मृत्यु पूर्व लोग सुसाइड नोट में इसके लिखित में पूर्व सूचना राज्य आज पर मुख्यमंत्री व वसुंधरा राजे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर समस्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी को दी गई है। इससे समस्त पटे कि मृतक ने कितनी पीड़ा भोगने के पश्चात मजबूर होकर शिक्षा विभाग के दलालों के दबाव में अपनी जीवन लीला समाप्त की। आत्महत्या से पूर्व लिखित दिन सुमा शर्मा के सुसाइड में नोट में ये साफ साफ बता दिया गया था कि ये सारे के सारी वासुदेव देवनानी की वजह से गड़बड़ हुई है। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वासुदेव देवनानी पर। तो दोस्तों कांग्रेस पदाधिकारी 26 मई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक पन्नामी से मिलकर मामले की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, मामले की जाँच कर रहे हैं। दोस्तों ये जहाँ चल रही हैं। तो दोस्तों कांग्रेस को क्या सवाल है दोस्तों ये देख सकते हो। देवनानी शिवशंकर शर्मा को पीए नहीं मानते हो तो उनके आवास में वो कैसे रहा का बीच फोन से कॉल सिग्नल में देवनानी वक्त पीए से बातचीत। सरकार ने अब तक मामले में हस्तक्षेप कर कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं की शुरू। मुख्यमंत्री ने मामले को अब तक गंभीरता से क्यों नहीं लिया। मंत्री से पार्टी स्तर पर कोई जाँच कार्रवाई नहीं। पूर्व न्यास अध्यक्ष की सीडी सामने आते इस्तीफा मांग लिया था। कांग्रेस दल का यह भी आरोप है कि पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष धर्मेश जैन की सीडी में उसके वार्ता उजागर के होने के बाद जैन का इस्तीफा ले लिया था, लेकिन देवनानी घटना के इन दिनों पर भी काबिज है। दोस्तों ये घटना के बाद पिछले राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री थे जैन, उन्होंने भी इस्तीफा लिया था ऐसी ही घटना पर, लेकिन देवनानी अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं ये कांग्रेस अध्यक्ष की कांग्रेस लोगों की मांग है। दोस्तों कांग्रेस पदाधिकारी मिसलेंगे पहले राज। दोस्तों हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और दोस्तों ये पूरा देखने के लिए अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, तो सारे वहाँ से आप पढ़ सकते हो क्या है ये खबर पूरी तरह से। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए पूरा।